हमीरपुर जिला में चुनावों के चलते आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब किसी भी प्रकार के सरकारी काम नहीं किए जाएंगे। इस दौरान चुनावों को प्रभावित करने वाली होर्डिंग्स को भी हटाया जाता है, जिसके मद्देनजर हमीरपुर नगर परिषद द्वारा सरकार की योजनाओं बारे जानकारी उपलब्ध करवाने वाली होर्डिंग्स को लगाया गया है, जिन्हें नगर परिषद ने हटा दिया है। इस दौरान वोटरों को लुभाने के लिए किसी प्रकार से सरकारी कामों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और न ही सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। नगर परिषद के उप प्रधान दीप बजाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तिथि तय हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार का सरकारी कामकाज नहीं किया जाएगा और न ही नए कामों को करने के आदेश नगर परिषद देगी। उन्होंने कहा कि वोटरों को लुभाने वाले होर्डिंग्स को भी नगर परिषद व अन्य लोगों ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पूरा ख्याल रखेगी कि आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन ना हो। हिमाचल प्रदेश में 17 दिसंबर से नगर निकायों के जो चुनाव हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, उनकी तारीखें तय हो गई हैं। उन तारीखों को तय होने पर उस समय से ही हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। आचार संहिता में जो कुछ चीज़ें आती हैं उसमें जो होर्डिंग सरकार द्वारा या और लोगों द्वारा जो इलेक्शन को प्रभावित करते हैं उन होर्डिंग को वर्ड्स को हटाया जाता है। उसके तहत नगर परिषद ने भी वो सारे के सारे होर्डिंग जो है हटा दिए हैं, उल्लंघन ना हो। उसमें और भी कई बातें आती है, जैसे सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल ना हो, कोई भी ऐसा कार्य जिससे कोई वोटर को लाभ पहुंचे और इलेक्शन कर्ता को उसका नजायज फायदा मिल सके, ऐसे सभी कामों पर बैन लगता है। कि नए काम जो हैं किसी को लुभाने के लिए शुरू नहीं होते हैं। नगर परिषद भी ऐसा करेगी, जो काम पिछले शुरू हैं वो तो किए जा सकते हैं, लेकिन नया काम इस आचार संहिता में कोई नहीं दिया जाएगा ना किया जाएगा, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और आचार संहिता पर सारे के सारे पूरी तरह कायम रहें।